सब्सक्राइब कीजिए डायमंड स्टडी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साहिर शेख। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैनन EOS 1300D का स्क्रीन, मतलब जो कैमरा है उसका स्क्रीन हम अपने लैपटॉप में लाइव किस तरह से लिया जाए, कैसे ले और कंप्यूटर में भी कैसे ले। तो दोस्तों, ये कैमरा परचेस करते समय मुझे इसके साथ DVD नहीं दी गई थी, लेकिन मैं इंटरनेट पर सर्च करके इसका जो ड्राइवर है वो डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करने के बाद मैं अपने लैपटॉप में उसका स्क्रीन बिल्कुल लाइव ला पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपके पास कोई दूसरा कैमरा है तो आप उसका सर्च करके ड्राइवर लिख दीजिए आगे, वो आपको मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिए। आप उसके अंदर जिस जो भी आपका तरीका वो सॉफ्टवेयर में डाला गया होगा वो आपको बराबर आसानी तरीके से मिल भी जाएगा, और उसका यूट्यूब पर भी आप ट्यूटोरियल देख लेना जो भी आपका कैमरा है। तो इसका तो जो ड्राइवर है वो मैं अभी डाउनलोड करता हूँ, और डाउनलोड करने के बाद उसका तरीका क्या है, किस तरह से इसे यूज़ करा जाए वो पूरा मैं इसमें बताता हूँ। तो इसमें एप्पल लैपटॉप के लिए भी दिया गया है और नॉर्मल जो लैपटॉप है जैसे कि विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 उसके लिए भी दिया गया है। तो ये जो है यहाँ पर आप देख लेना, विंडोज़ 10, विंडोज 8.1, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, 32, 64 बिट दोनों है। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करते समय यहाँ पे जो है नेट की लाइट बंद है, तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। पहले तो ये कनेक्ट हो गया नेट, और रिफ्रेश पे क्लिक कर लूँगा तो ये डाउनलोड का ऑप्शन डायरेक्टली आ जाएगा। मैंने डाउनलोड मैनेज इंटरनेट मैनेजर डाउनलोड करके रखा है, इसलिए उसके अंदर डाउनलोड होगा। अगर आपने ये डाउनलोड नहीं रखा है तो डायरेक्टली आपका डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो ये बहुत स्पीड से डाउनलोड होगा, देखो जिस तरह से मेरा डाउनलोड हो रहा है 2 MBPS से। तो ये पूरी तरह से डाउनलोड हो गया, इसे मैं कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन का जो है सेटअप दिया हुआ है, इसे डबल क्लिक कर लूँगा मैं। यहाँ पे इस तरीके का बन के आएगा। मैं रह रहा हूँ इंडिया में, तो एशिया पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ से इंडिया पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ओके पे मैं क्लिक कर लूँगा, और यहाँ से इंस्टॉल पे मैं क्लिक कर लूँगा, और यस पे मैं क्लिक कर लूँगा, फिर यस पे मैं क्लिक कर लूँगा। तो ये जो है इंस्टॉल होना मेरा चालू हो जाएगा। इसके लिए नेट कनेक्ट होना कंपलसरी है, इंटरनेट से कुछ एप्लीकेशन से कुछ और भी चीज़ें वो डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगी, जिस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन पे बता रहा है EOS Utility 2 वगैरह में, तो उसी तरह से हमको वो बताएगा और उसी तरह से उसका प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर पर बन के आएगा, और उसी तरह से मुझे इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये 1 मिनट का टाइम मांग रहा है, वो इंस्टॉल हो गया। इसे नेक्स्ट क्लिक कर लेता हूँ मैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ मैं, इसे क्लोज कर लेता हूँ। ये रीस्टार्ट का ऑप्शन मांग रहा है, पर लेकिन मैं रीस्टार्ट नहीं करूँगा, इसे ओके कर लेता हूँ मैं। फिनिश पे क्लिक कर लेता हूँ, इसे क्लोज कर लूँगा और इसे नो पे क्लिक कर लूँगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा है इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा मेरे लैपटॉप पे कनेक्ट के लिए। तो मैं अपने DSLR को USB से कनेक्ट कर लूँगा। मेरे DSLR में जितनी भी फ़ोटो वगैरह होगी, जितने भी वीडियो वगैरह होगी, और डायरेक्टली जो है वो ओपन हो जाएगी। जब मैं कनेक्ट कर लूँगा USB से, कनेक्ट करने के बाद मुझे ऑन करना होगा अपने कैमरे को। मैं ऑन कर लेता हूँ कैमरे को। जब मैं ऑन करता हूँ तो इस तरीके का कुछ ऑप्शन आएगा, और डायरेक्टली मेरी एक फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अगर मुझे ये फोटोज वीडियो डाउनलोड करना हो तो मुझे क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड करना होगा। अभी कोई भी एक फ़ोटो मैं जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे डाउनलोड पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे बताएगा आपको कि आपकी फाइल कहाँ पे सेव हो रही है या कहाँ पे आपको सेव करना है। तो मैं कर लेता हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड जो है मेरा ये हो चुका है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने पिक्चर्स में जाऊँगा। पिक्चर्स में जाने के बाद एक फोल्डर बना है, उस फोल्डर पे जाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ोटो जो है वो आ चुकी है। तो इसी तरीके से जो है मेरा कैमरे को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। कनेक्ट करने के बाद सारी फाइल को इधर से उधर ले सकता हूँ। अब मैं इसे कर लेता हूँ क्लोज, इसे भी कर लेता हूँ क्लोज। अब मैं वापस इसे करता हूँ ऑन। ऑन करने के बाद यहाँ पे प्रेफरेंस करके एक ऑप्शन होगा, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ रिमोट का कुछ ऑप्शंस आएगा, या फिर मुझे ये सारे ऑप्शन नहीं आते, मैं डायरेक्ट क्विट कर लेता हूँ। अब वापस से मैं ऑन करता हूँ,
तो डायरेक्टली जो है मेरे फोटो की फाइल जो है वो ओपन होगी, या फिर मैं प्रेफरेंस पे क्लिक कर लूँगा तो मुझे रिमोट वगैरह का कुछ ऑप्शन आएगा। लेकिन अभी मुझे डायरेक्टली लाइव शूट करना हो तो क्या करना होगा, यहाँ पे मेन वीडियो पे मेन विंडोज पे मैं क्लिक कर लूँगा। क्लिक करने के बाद वो वापस से मुझे प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड इमेज टू कंप्यूटर का जो ऑप्शन आ रहा था उसी तरीके से वो ऑप्शन वापस से आ जाएगा। तो मुझे रिमोट शूटिंग पे क्लिक कर लेना है और थोड़ा सा वेट करना है। जैसे मैं यहाँ पर इसका एरो ले जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली जो है DSLR कैमरे का फ्लैश जो है वो ऑन होगा और यहाँ पे सारी कितनी चार्जिंग है क्या क्या है सारी चीज़ मुझे यहाँ पे बता देगी उसकी। और मुझे अभी वीडियो रिकॉर्ड करना हो तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे वीडियो पे क्लिक कर लेना होगा। वो ऑटोमेटिकली वीडियो में जा चुका है कैमरा। अब मुझे इसे बराबर से एडजस्टमेंट करना होगा तो इसे ऑन कर लेता हूँ मैं तो वो ऑटोमेटिकली आगे पीछे करके एडजस्टमेंट कर लेगा। तो अब मुझे अगर फ़ोटो खींचना है या नहीं खींचना है या फिर उसकी साइज़ छोटी करना है या बड़ी करना है या जूम करना है जूम आउट करना है सारे ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑटोमेटिकली करना है तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे कर लूँगा। और यहाँ पे फोकस पे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगे जैसे कि यहाँ पे क्विक करके मोड वगैरह सारा आपको यहाँ पे बताएगा। जिस तरीके से आप कैमरे पे देखते हैं जो मोड कैमरे में बताता है उसी तरीके से मोड यहाँ पे भी आपको बताता है। और ऊपर की तरफ आपको ब्राइटनेस के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्लैश वगैरह जो आप इसको यूज़ करके जिस तरीके से आपको फ़ोटो खींचना है आप फ़ोटो खींच सकते हैं। आप अपने कैमरे को कहीं पर भी राउंड ऑफ करके कहीं पर भी घुमा कर अगर आपको अपना वीडियो वगैरह निकालना हो तो आप अपना वीडियो वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये कैमरे को मैं अपने फेस के ऊपर रखता हूँ और यहाँ से मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा तो यहाँ पर आपको जो है वो टाइमिंग भी बताएगा। अब मुझे इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है ताकि मुझे और अच्छे से दिखे। अगर अभी जो है मैं इसे बराबर से ब्राइटनेस वगैरह एडजस्टमेंट जो करना है वो तो एडजस्टमेंट मैं कर लूँगा और इसे स्टॉप कर लूँगा। यहाँ पर स्टॉप कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे स्टॉप हो गया। ये वीडियो जो है वो सेव हो चुका है मेरे DSLR कैमरे में। अभी मुझे वो देखने के लिए क्या करना होगा, इसे क्लोज कर लेना होगा। क्लोज करने के बाद जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने से पहले यहाँ पे ऑन है, मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। इसे डबल क्लिक करके जब मैं ऑन करूँगा तो जो मेरा वीडियो फोटोज वगैरह जो पहले आता था उसी तरीके से वापस से एक आएगा। इसे मैं कर लेता हूँ डाउनलोड, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं डाउनलोड, ओके। ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा। अब मैं चाहे जहाँ सेव रखना चाहूँ उसे सेव रख सकता हूँ। अभी मैं फाइल में जाता हूँ, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे देख लूँगा पिक्चर्स में, इधर ये जो है मेरा वीडियो रहा है, ये मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा तो इसी तरीके से जो वीडियो है मेरा मैं स्टार्ट कर लिया, इस तरह से मैं डाउनलोड भी कर लिया, कॉपी भी कर लिया। अगर डायरेक्टली मुझे कॉपी करना है, डायरेक्टली लेना है तो मैं कैनन में जाकर HD में जाकर मैं डायरेक्टली भी वहाँ से DSM के फोल्डर में जा भी के मैं वो चीज़ को ले सकता हूँ। यहाँ पे बता रहा है क्योंकि मैंने लाइव शूट वगैरह कनेक्ट करके रखा है, अगर मैं उससे क्लोज कर लूँ तो मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ। जैसे कि मैं भी कर लेता हूँ इसे ओके और इसे कर लेता हूँ क्लोज। अभी मैं इस पर जाता हूँ DSM में जाने के बाद ये जो है मुझे नीचे मेरे रिकॉर्ड वीडियो वगैरह सब इतने सारे वो सब एक साथ करके ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे सब अवेलेबल है आपके, तो उसी तरह से चाहे आप डायरेक्टली कॉपी कर ले जिस तरह से आप पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड से कॉपी करते हैं या फिर आप डायरेक्टली वहाँ से ओपन करके डाउनलोड कर ले, तो जैसा भी आपको सूरतों में जो अच्छा लगे वो कीजिए। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले मैं वीडियो जो भी लाऊंगा वो आपको सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन के जरिए। तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।